स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो मैथ है आपका आरएस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है आयतन। वॉल्यूम वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आपको चार क्लासें पढ़ा चुका हूँ, मतलब 40 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, उससे आगे हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना आप। ठीक है, इस चैनल पर और आपको प्ले लिस्ट में क्या मिल सकता है, इसकी प्ले लिस्ट में आपको एचडी यादव नया और पुराना दोनों की पूरी क्लासें मिल जाएंगी, आरएस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की क्लासें मिल जाएंगी, रीजनिंग एस चंद की क्लासें मिल जाएंगी, और रीजनिंग की मेरे पास से भी क्लासें वो भी आपको मिल जाएंगी। सबकी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं और काफ़ी यूजफुल क्लासें वो आपके लिए होंगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखो, घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घन का जो इसमें जो है, इसने कहा है 10 सेंटीमीटर वाले 6 घनों को। सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये मान लो ये है एक घन, हालांकि इस शेप में नहीं बनेगा, पर मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ। और 10 सेंटीमीटर है ऐसे, तो 6 रख रहा है ये ऐसे, 2 3 4 5 6, तो उसकी एक लेंथ ना 10 20 30 40 50 60 हो जाएगी। उसकी जो एक लेंथ है, वो लंबाई जो है वो 60 हो जाएगी, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हैं। तो ऊंचाई और चौड़ाई आपकी 10 10 ही रह जाएगी, और लंबाई आपकी 60 हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई जो है इसमें कितनी हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 10 ही रहेगी, और ऊंचाई भी आपकी 10 ही रहेगी। और आपसे पूछ क्या लिया है इसने, इसने आपसे पूछ लिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं है वो मैं लिख रहा हूँ, अब याद करेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ठीक है, LBH ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, बस इनकी वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2। तो 2 और L की वैल्यू कितनी है, 60 है। बीच में कोई निशान नहीं है, साइन नहीं होता, तो वह मल्टीप्लाई मतलब गुणा होती है, और बी का मान कितना है, 10 है, प्लस 10, और बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और एच का मान कितना है, 10 है, प्लस फिर इस एच का मान रखेंगे 10, और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, और एल का मान कितना है, 60 है। बस इसको सोल्व मात्र हमको करना होगा। अब तो ये कितना हो जाएगा, 60 की जब 110 में गुणा करेंगे तो 600, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 10 की 10 में करेंगे तो 100 ये आपका हो गया। ठीक है, और फिर 10 की 60 में करेंगे तो 600 ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600 और 100 700 और 6 7 और 6 1300। तो 2 × 1300 ये हो चुका है आपका, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 2600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2600 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग में ही आता है, वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग में, और आयतन घन में आता है हमेशा। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। 42 में देखते हैं क्या है, 42 में क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा 27 सेंटीमीटर लंबी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन की भुजा दे दी आपको इसने, और घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद होना चाहिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, मतलब 6A² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, और घनाभ का ये होता है, याद कर लेना बच्चों। ठीक है, अब इसने आपको भुजा दी है तो 6 × और भुजा कितनी दी है, 27 दी है, तो 27 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 27 × 27 हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इन तीनों की आपको ना मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 43 74 आ जाएगा, 43 74 घन वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा ये भी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में चलिएगा, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में क्या है बच्चों, इसमें बोला गया है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और ये कितना दिया है उसने हमें, उसने हमें ये दिया है 150। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकालेंगे, तो 6 से पहले इसको आप कैंसिल करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई या गुणा वाले उधर भाग में जाता है, तो भाग में ले जाने की बजाय यहीं से भाग कर देते हैं हम। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 कैंसिल होगा इससे, 6 × 12 = 3 हो गए 30, 6 × 5 = 30। अगर इधर से स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का वर्गमूल लिया जाता है, तो स्क्वायर हटा दें आप, हमें भुजा मिल जाएगी, तो 25 √5 हो जाएगा, तो 5 भुजा आ गई। अब ये हमसे पूछना क्या चाह रहा, घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो होता है भुजा की घात 3।
तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 तो ये उतना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखो आयतन जो है घन में आता है, तो घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, तो 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 44 पे आ जाएंगे, 44 पे क्वेश्चन नंबर 44। फोर्टी फोर में क्या है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। अब देखिएगा घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और ये कितना दिया है उसने आपको, 512 दिया है। ठीक है, इस पे से घात 3 आप हटाओगे तो सामने वाले का घनमूल लेना होगा, तो 512 का घनमूल होता है 8। तो ए बोले तो भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर आ चुकी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा भुजा कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, तो 6 गुणा 64 बस मल्टीप्लाई मात्र आपको करनी होगी, 6 चौक 24 को 4, तो हाँ सिल दो, 6 छिंग 36 और दो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 384 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ये क्षेत्रफल होता है ये संपूर्ण पृष्ठ। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है बच्चों, 45 में है एक घन के विकर्ण की लंबाई दी है इसने हमको, 4√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों घन का जो विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा होता है, और वो कितना इसने हमको दे दिया है 4√3। इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट ये है, जो वैल्यू उसने आपको दी है अगर उसका फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले के बराबर ही रखेंगे उसको। दोबारे से सुनो, जो भी वैल्यू इस क्वेश्चनों में दी जाती है अगर उसका फॉर्मूला है तो उसके फॉर्मूले के बराबर ही रखो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अगर उसने ऐसी वैल्यू दी है जिसका फॉर्मूला नहीं होता है तो फिर उसका फॉर्मूला रख दो जो बूझ रहा है। बस दो चीज़ के फॉर्मूले रखे जाते हैं, या तो उसका फॉर्मूला जिसकी वैल्यू इसने दी है उसका होता है, या उसका फॉर्मूला जो ये बूझ रहा है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ से √3 से तो √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो 4 आ चुकी है। अब ये आपसे पूछ रहा है इसका आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। अब भुजा कितनी है इसकी 4, तो 4 की घात 3 आपको सबको पता है 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि आयतन घन में आता है, क्यूब में आता है। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 46 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई दी है, तो घन का विकर्ण तो बेटा ये अभी आपको बताया है √3 गुणा भुजा होता है, और ये कितना इसने हमको दिया है 9√3 दिया है, तो √3 से तो √3 कैंसिल, तो भुजा आ गई 9। भुजा कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, तो 6 गुणा 81। ठीक है, इसे ए से नहीं लिख सकते, सरफेस एरिया होता है ये। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ठीक का क्षेत्रफल, तो 6 ही कम 6, और 6 8 48, 6 8 48, तो 486 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का बच्चों। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, 47 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 इसमें क्या दिया है बच्चों, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसका आयतन। देखो अगर घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दे तो ये कह रहा है आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो आप एक काम करो, कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सपोज करो घन की भुजा ए है, एक है, कितनी है 1, तो अब आयतन निकालो आप, तो आयतन तो भुजा की घात 3 होता है, तो आयतन कितना है 1 हो गया। अब इसने भुजा को क्या करने को कहा है, इसने भुजा को क्या करने को कहा है, इसने कहा है घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दो। तो पहले भुजा देखो हमने 1 मानी थी, अब आप 1 का दुगुना तो 2 होगा, अब आयतन निकालो, तो आयतन क्या होता है भुजा की घात 3 होता है, तो 2 की घात 3 का मतलब तो 8 हो गया। तो पहला आयतन तो ये है बच्चों, दूसरा आयतन ये है, तो ये इसका कितने गुना है, मतलब 1 में किसकी गुना करके 8 आ सकता है, 8 की गुणा करने पर 8 आ सकता है, तो 8 गुणा हो जाएगा, कितना गुणा हो जाएगा 8 गुणा। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 1 मान के ही होगा, 2 मान के भी हो जाएगा। भुजा अगर आप 2 मानोगे कितनी मानोगे 2, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का इसको आयतन होता भुजा की घात 3, कितना होता भुजा की घात 3, तो 8 हो गया।
अब उसने कहा कि भुजा को दुगना कर दो, भुजा को क्या कर दो, दुगना, तो दो का दुगना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो अब आयतन क्या होता है, चार की घात तीन हो जाएगा, तो चार की घात तीन का मतलब क्या है, चौंसठ हो जाएगा। तो अब बताओ आठ का कितने गुना है, ये आठ का आठ गुना है। तो मान के तो कुछ भी हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो आठ गुना इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिएगा 48 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 में देखते हैं क्या है बच्चों, इसमें है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और वो कितना दिया है इसने हमको, 600 दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो घन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है बच्चों, घन का जो विकर्ण होता है भुजा गुणा रूट तीन होता है, भुजा गुणा रूट तीन, तो विकर्ण रूट तीन गुणा भुजा बोल लो या भुजा गुणा रूट तीन बोल लो आप, तो रूट तीन और भुजा कितनी है इसकी, 10। तो 10 रूट तीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इन्होंने कितना दे दिया है बच्चों हमको, इन्होंने हमें दे दिया है 1734। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और वो इन्होंने हमें कितना दिया है, वो दिया है 1734, ठीक है। चलिएगा अब देखो बीच में गुणा है, तो गुणा वाला तो उधर भाग में जाता, तो यहीं से भाग कर दो आप, 6 दुनी 12, यहाँ 17 है तो बचे 5, क्योंकि 6 दुनी 12 और तो यहाँ 17 है तो बचे 5, इसको यहाँ मानेंगे 53 हो गया, 6 8 48, तो कितना बचा बच्चों, 5 बचा हो गया 54, 6 9 54। अब देखो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट लिया जाएगा, तो 289 का रूट अगर लेंगे तो 17 आ जाएगा, तो ए बराबर 17 आ जाएगा। तो भुजा तो बच्चों हमको मिल चुकी है, अब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इसका आयतन कितना होगा। तो वह भी सिंपल है बच्चों, आयतन होता है भुजा की घात 3, तो आप 17 की घात 3 कर दें बस, जो 17 का क्यूब होगा वो ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 49 13। आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, 50 में देखते हैं बच्चों क्या है। 50वां क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भुजा को दुगना करने की बात कर रहा है बच्चों, ये प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी घन। तो भुजा आप कुछ मान लेते हैं, सपोज डेट हमने उसकी भुजा 1 मान ली, तो अब आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जैसे ही निकालोगे इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा तो 1 है, ये लीजिए, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है 1 ही रह गया। अब वो कह रहा है कि भुजा को दुगना कर दो, तो जब भुजा को हम दुगना करेंगे तो भुजा तो 2 हो जाएगी, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 2 है, तो 6 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24। तो पहले 6 था, अब 24 हो गया है, और वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे कि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखो बच्चों, जब भी वृद्धि परसेंट निकालना हो या कमी परसेंट, तो ऊपर तो अंतर रखते हैं, तो इन दोनों में वृद्धि परसेंट निकालना, तो इनमें अंतर हम करेंगे, ठीक है, कर लिया हमने अंतर 18 का। और वृद्धि परसेंट में क्या करते हैं, बटे में इन दोनों में से छोटा वाला रखते हैं वृद्धि परसेंट में, हाँ, और कमी परसेंट में बटे में इन दोनों में से बड़ा वाला रखते हैं। तो वृद्धि परसेंट बूझ रहा है, तो बटे में 6 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए 100 से की जाती है गुणा, ये बेसिक पॉइंट है मैथ का, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 6 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहीं तक इस क्लास में क्वेश्चन कराने थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।